हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ आपका आपके प्यार जन दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब्स टेलर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप पोजीशन के बारे में, जो कि IIT रुड़की ने निकाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ऑल पे, ताकि आप मेरी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो आपको बस टाइप करना है यूट्यूब पे दीपक बायोलॉजी क्लासेस एंड जॉब चैनल। जैसे आप ये टाइप करेंगे तो आपको मेरा चैनल का जो है इस टाइप का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अगर आपको जॉब से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, या जॉब से रिलेटेड आपको कोई आपको नोटिफिकेशन एडवर्टाइजमेंट चाहिए, जैसे कि आपका असिस्टेंट प्रोफेसर हो गया या नॉन टीचिंग पोस्ट हो गया, या आपका लेक्चरर का पोजीशन, या आपका PhD एडमिशन से रिलेटेड, या आपका कोई भी पोस्ट डॉक्टर प्रोग्राम से रिलेटेड अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए, तो मैं इस टाइप की नोटिफिकेशन जो है वो अपने चैनल पर अपलोड करता रहता हूँ। तो आप मेरे चैनल पर आके जो है वो देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको CSIR GRF की तैयारी कर रहे हैं, या DBT GRF या GATE की तैयारी कर रहे हैं, या अदर टाइप ऑफ MSc इंटरेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप मेरे चैनल को जो है विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बायोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो ट्रिक्स हैं, या इसके अलावा हम बोल सकते हैं कुछ वीडियोज जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, वो मैं रेगुलरली अपडेट अपलोड करता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तब भी आप मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि आया है IIT रुड़की से। तो यहाँ पे देखिए एडवर्टाइजमेंट निकाला गया है फॉर द पोस्ट ऑफ पोस्ट डॉक्टर फेलोशिप पोजिशन। तो यहाँ पे इन्होंने लिखी है जो आपका टाइटल है आपका प्रोजेक्ट का, वो भी यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने मेंशन कर रखा है डिटेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ बैक्टीरिया पैथोजन इन पाउल्ट्री बाय डेवलपिंग केमिकल जीनोमिक स्ट्रेटेजीज टू कॉम्बैट मल्टीपल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें पोस्ट डॉक्टर पोजिशन को निकाला गया है, और यहाँ पे जो आपका मेंटर रहेंगे वो रहेंगे डॉक्टर नवीन के नवानी, जो कि प्रोफेसर हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपका बैकग्राउंड है आपने PhD अपना किया है बायोटेक्नोलॉजी में, मॉलिकुलर बायोलॉजी में, नैनो टेक्नोलॉजी, बायोसेंसर से माइक्रोबायोलॉजी में, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए अगर आपके पब्लिकेशन अच्छे हाई इंपैक्ट जर्नल में है तब भी आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पेटेंट्स हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आपको भी यहाँ पे जरूर प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो इन्होंने देखिए वॉक इन इंटरव्यू जो रखा है वो रखा है आपका डिपार्टमेंट ऑफ बायोसाइंस एंड बायो इंजीनियरिंग में 2 सितंबर 2021 को, जो कि थर्सडे है at 3 PM। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस, तो आपका यहाँ पे PhD होना चाहिए बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी में विद फर्स्ट क्लास इन द पोस्टिंग डिग्री। और यहाँ पे जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो है मिनिमम 2 ईयर्स का आपका एक्सपीरियंस है स्पेशलाइजेशन होना चाहिए मॉलिकुलर बायोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी में, या बायोसेंसर डेवलपमेंट में। इसके अलावा आपके जो है 5 इम्पैक्ट फैक्टर्स से ऊपर जो है आपके जो है आपके रिसर्च आर्टिकल्स होने चाहिए मोर देन 5 इम्पैक्ट फैक्टर, और आपके अगर पेटेंट्स हैं तब भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको अगर जो फेलोशिप दी जाएगी वो आपको दी जाएगी यहाँ पे 55,000 पर मंथ फॉर फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर। इसके बाद आपको जो कंटीजेंसी ग्रांट दी जाएगी वो रहेगी 50,000 पर NM। ठीक है, अब अप्लाई आपको करना कैसे है, आपको बस कवर लेटर लिखना है, आपको CV लगाना है, और आपके जो भी पब्लिकेशंस हैं जिसमें आपका जो भी हाईएस्ट इंपैक्ट फैक्टर है मोर देन 5 वो आपको अटैच करना है, और आपका रिसर्च स्टेटमेंट आपको लिखना है जिसमें आपने जो पास्ट में क्या काम किया और फ्यूचर में आप उनके साथ क्या काम कर सकते हैं, तो ये सब आपको मेंशन करना है। ठीक है, इसके अलावा आपको जो है IIT रुकी की सारी जो स्टूडेंट की फैसिलिटीज जैसे कि एकोमोडेशन, हॉस्पिटल, मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी, स्पोर्ट, ETC सारा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे अगर आपका प्रेजेंटेशन के लिए या इंटरव्यू के लिए या डिस्कशन के लिए अगर आपको यहाँ पे बुलाया जाता है IIT रुड़की, तो आपको यहाँ पे बस का या 3rd AC का जो फेयर है वो आपको जो है दिया जाएगा फॉर्म योर रेसिडेंस और वर्क और बाय द शॉर्टेस्ट, लेकिन सबसे शॉर्टेस्ट रूट जो रहेगा उस पर्टिकुलर रूट में वो आपको यहाँ पे जो है फेयर उसका दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अच्छी बात ये है कि आपको यहाँ पे जो है आपका जो भी आपका फेयर है वो भी यहाँ पे आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, चाहे वो AC से अगर आप आए हो तो AC में 3rd AC, या बस से अगर आप आए हो तो उन सबका जो फेयर है वो भी आपको यहाँ पे रिटर्न कर दिया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।